इस वीडियो के अंदर हम फाइल करेंगे ITR 3 को, जहां पर हम लॉसेस को कवर करेंगे। अगर आपने इंट्राडे किया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया है, तो आप उन लॉसेस को कैसे दिखा सकते हैं, कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर जो है टैक्स ऑडिट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ज़रूर मेंटेन करेंगे, क्योंकि दोस्तों लॉस का केस है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब कब मेंटेन करके करनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट आपको कब नहीं करवाना पड़ता है, ये सारी ही चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करके चलूँगा। और इसके अलावा अगर आप सैलरी की इनकम दिखाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाना चाहते हैं, अदर सोर्सेज की इनकम दिखाना चाहते हैं, डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, तो वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी ITR 3 फाइल करने जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। अगर आपने क्रिएट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्रिएट किया है तो इसके लिए दोस्तों आपको वो लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं। और अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया तो ज़रूर क्रिएट कर लें। उसके अलावा जब भी आप ITR 3 फाइलिंग शुरू करें, तो अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26AS ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वहाँ से 26AS में जो भी आपकी TDS की डिडक्शन होगी, TCS की डिडक्शन होगी, और AIS के अंदर जिस भी तरीके की आपकी इनकम होगी, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बैंक का इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल परचेज की है, तो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पर नज़र आ जाती है। तो 26AS और AIS को ज़रूर चेक करें ITR को फाइल करने से पहले। वहीं अब ये कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो या तो आप AIS पे क्लिक कर सकते हैं, इसी तरीके से 26AS और AIS आप कैसे चेक कर सकते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएं और देख लें। तो चलिए अब अपनी ITR फाइलिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ई फाइल पर आ जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25, ऑनलाइन मोड कंटिन्यू, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल रहेगा कंटिन्यू, उसके बाद आपको यहाँ से ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम ITR 3 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ITR 3 फाइल करनी है, प्रोसीड विद ITR 3 कर देंगे। तो देखिए उसके बाद आपको लेट गेट स्टार्टेड नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो देखिए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी दोस्तों, वो 2.50 लाख होगी अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है। वहीं अगर एज 60 ईयर से ज़्यादा है, या 60 ईयर भी है, आप सीनियर सिटीजन है, 3 लाख रुपीज़, और अगर आपकी एज 80 ईयर से अब तो 5 लाख रुपीज़। वहीं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख रुपीज़ की। तो अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है 2.50 लाख या 3 लाख से, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। अगर ये वाले ऑप्शन में आप फॉलो नहीं करते, आप देख लीजिए कहीं आपने इस साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट तो नहीं करवाया, 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल तो नहीं किया, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैं लॉस की ITR फाइल कर रहा हूं, तो मैं अदर का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को लॉस दिखाना है, तो मेरी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रहने वाली है इनकम, तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको कुछ इस तरीके से देखिए सिलेक्ट शेड्यूल का टैब जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको एक एक करके सारे ही शेड्यूल में चेक करते चले जाना है। तो पार्ट ए में आपको कुछ नहीं करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन में आप इनकम पे आ जाए। तो देखिए जब आप इनकम पे आएंगे, देखिए दो जो भी आपको सैलरी दिखाना चाहते हैं इनकम, जैसे आप सैलरी दिखाना चाहते हैं तो इस पर टिक किया हुआ है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम दिखाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है होम लोन का उसको दिखाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक रहने दें। इसी तरीके से कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं तो इसको जो है टिक कर दें। सेक्शन 112A के अंदर अगर आपने इक्विटी शेयर सेल किए हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसको क्लिक कर दें। इसी तरीके से शेड्यूल वीडियो में अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई क्रिप्टो सेल किया है, अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह की इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल स्पेशल रेट पर रहने दीजिए, टिक इस तरीके से आप देख लीजिए। इसी तरीके से कोई एग्जम्प्टेड इनकम दिखाना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अनटिक रहने। तो इस तरीके से आप देख लीजिए जो भी आपके लिए जरूरी इनकम का शेड्यूल है वो आप चूज़ कर लें। नीचे आ जाएँ, उसके बाद बिजनेस पर आ जाएँ। तो बिजनेस में देखिए बाय डिफॉल्ट ही सब पे ये टिक मार्क हुआ आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेम टू सेम रहने देना है। बट आप लास्ट में आके ये जरूर चेक कर लें, अगर आपने GST नंबर लिया हुआ है और उसके हिसाब से आप जो इनवॉइस रेस करते हैं उस पर GST भी चार्ज करते हैं, तो इसके ऊपर जरूर आप जो है चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें। बट हमारी तो जैसे मैंने बताया आपको इंट्रो एंड फ्यूचर ऑप्शन दिखाएंगे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऊपर आ जाते हैं, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आ गया, आप इसको ऐसे ही रहने दें। डिडक्शन में आएंगे, जो जो डिडक्शन आप दिखाना चाहते हैं दोस्तों वो दिखा सकते हैं, जैसे 6A में हो गया, 80D वगैरह हो गया, जो भी आप दिखाना चाहें वो दिखा दीजिए, उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अब जब आप नीचे आएंगे टैक्स पे, तो देखिए टैक्स में आपके
शेड्यूल ऑफ डिटेल टैक्स ऑफ पेमेंट, शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शेड्यूल टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो इनके ऊपर जरूर आप क्लिक कर दें। तो ये तीनों जो है आपके क्लिक होने चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आपका टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ होगा तो वो दिखा देगा। अब लास्ट में अदर पे आ जाएं, अदर में आपके बाय डिफॉल्ट ही देखिए आपके साइला, बाफला, सीएफएलए सारे शेड्यूल दिखा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप पे को यहाँ पर ले आएगा। अब यहाँ पे स्किप क्वेश्चन कर दीजिए आप, हम आगे बढ़ जाते हैं स्किप करके, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी हम आगे कर लेंगे। तो स्किप कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे ही मैं क्वेश्चन को स्किप करूँगा कुछ आपको यहाँ पर शेड्यूल समरी पे ले आएगा। सबसे पहले आपको इसको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप शेड्यूल समरी पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जर्नल टैब नज़र आ जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से आपको नीचे तक बहुत सारे शेड्यूल आपको नजर आ जाएंगे। सारे ही शेड्यूल एक एक करके आपको कन्फर्म करते चले जाने हैं। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों अपना शेड्यूल जो कन्फर्म करेंगे वो करेंगे हम पार्ट ए जर्नल। तो जर्नल टैब पे जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से पांच इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। तो दो इन्फॉर्मेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम शुरू होता है दोस्तों वो शुरू होता है फाइलिंग सेक्शन पे। तो फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले फाइलिंग सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्यू डेट पूछेगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम की, तो 31 जुलाई सेलेक्ट कर लीजिए। 139(1) बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अब आप नीचे आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही नो मिलेगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर से जो आप आईटीआर फाइल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही नो पे ऑप्शन मिलेगा। मींस ये आपसे पूछना चाहता है क्या आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको नो ही रहने देंगे तो आपकी जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आपको यस विद इन ड्यू डेट पे क्लिक करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म 10IEA ज़रूर फाइल करना पड़ेगा। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करें 31 से पहले, तो आईटीआर को फाइल करने से पहले आप फॉर्म 10IEA जरूर फाइल कर लें। वहां पे उसकी डेट आ जाएगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। तो जिस डेट पे आपने फाइल किया होगा वो डेट आ जाएगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप ये फॉर्म नहीं फाइल करेंगे तो आप फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस केस में फिर आपको नो ही रखना पड़ेगा, फिर आपको जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उस केस में फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करेंगे। और जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते नहीं है, डिडक्शंस या एग्जम्पशन। तो मैं यस कर देता हूं और यहां पर जो है मैंने जो ये फाइल किया है फॉर्म ये 10 जून 2024 को किया है और इसका मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल कर देता हूं। तो देखिए कि मैंने एक्सेल खोला हुआ है, वहां से मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लेता हूं। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है दोस्तों, ये मैं ले लेता हूं और एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं मेंशन करूंगा तो देखिए आपका फॉर्म आगे अब ये चल पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पे नीचे आएँ थोड़ा सा, अब इसको रेजिडेंट चूज़ कर लें। अब देखिए जो मैं ये बताना भूल गया आपको, जो ये फॉर्म 10IEA है आप इसको कैसे फिल कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लें और पहले ये फॉर्म फाइल कर लें। तो वहाँ पर आपका ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म, जिस तारीख को आपने वो फॉर्म फिल किया है वो भी आप मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस में आपका रेजिडेंट आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन 182 डेज चूज़ कर लीजिए। थोड़ा नीचे आए सबको नो रहने दीजिए, इसको भी नो कर दीजिए। नो डायरेक्टर आप किसी कंपनी में नहीं है नो कर दीजिए, किसी पार्टनर फर्म नहीं है नो कर दीजिए, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपके पास नहीं है नो कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। फिर अगर आप किसी कंपनी वगैरह में डायरेक्टर हैं तो दोस्तों फिर आपको यस करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए, जनरली ये नो ही होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑडिट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ऑडिट इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये पूछता है क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन जरूर करके चलूँगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले एक बार मैं ये ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो क्या मैं 44 ADA में फाइल करूँगा रिटर्न? नहीं जी, मैं 44 AD में रिटर्न फाइल नहीं करूँगा अपनी। उसके बाद ये पूछता है वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 crore to 10 crore। अब देखिए हम फ्यूचर अडॉप्शन की जो है ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें टर्नओवर के हिसाब से जाना होता है, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबल होती है दोस्तों वो टर्नओवर के हिसाब से होती है। तो यहाँ उसी के हिसाब से आपको जो है चीज़ें मेंशन करनी है। तो देख लीजिए अगर आपकी टोटल सेल है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट है, वो 1 crore to 10 crore के बीच में है। अगर आपका 1 crore to 10 crore के बीच में है तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आपका टर्नओवर 1 crore से ज़्यादा नहीं है, ये देखिए आपको यहाँ टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट पूछ रहा है, तो अगर आपकी टोटल सेल भी 1 crore से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है चूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आपका टर्नओवर 1 crore से ज़्यादा नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। अगर टर्नओवर 10 crore से ज़्यादा है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो मेरे केस में जो मेरा टर्नओवर है दोस्तों वो 1 crore से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। वहीं अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1 crore रुपये से ज़्यादा है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे फर्दर आपको ये दो ऑप्शन पूछेगा। इसका मतलब ये है क्या आपकी जो कैश की
जो आपकी कैश की दोस्तों रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे इसने पूछा है अमाउंट रिसीव्ड, तो क्या आपकी जो कैश की रिसिप्ट है वो 5% से ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पूछेगा क्या आपका जो बिज़नेस है उसमें कैश की पेमेंट 5% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपकी 5% से ज़्यादा की पेमेंट और रिसिप्ट नहीं है तो आप इसको येस कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो टैक्स ऑडिट की लिमिट मिलती है वो 10 करोड़ की मिलती है। तो दोनों ही केसेज में आपको येस करना पड़ेगा अगर आप 5% से ज़्यादा की कैश की पेमेंट और कैश में शिफ्ट नहीं करते हैं। तो मेरे केस में तो एप्लीकेबल होगा नहीं, तो मैंने आपको ये बता दिया है अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो मेरा जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। तो क्या मेरे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा 44AB के अंदर, तो वो भी नहीं होगा, तो इसको भी मैं नो कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करनी होती हैं, 44AB में टैक्स ऑडिट आपको कब करवाना होता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। स्टिल मैं आपको जब एक्सेल पे आऊंगा थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा कि हम क्यों ऑडिट नहीं करवा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों मेंटेन करके चल रहे हैं। अब आप इसको नो कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई, अब बैंक डिटेल पर आ जाइए, एक बैंक आपका यहाँ वैलिडेटेड होना ज़रूरी है, अब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो देखिए मैंने इसको कन्फर्म कर दिया है, तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला टैब है दोस्तों वो कन्फर्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ़ बिज़नेस के बारे में बताना है, तो नेचर ऑफ़ बिज़नेस में आप इसके ऊपर जो है क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो देखिए अदर देन दोस डिक्लेयरिंग इनकम 44AD, अगर आप 44AD, 44AD, 44AD और 44AE में मीन प्रेजेंटिव बेसिस पर इनकम नहीं दिखा रहे हैं तो आप अपना बिज़नेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो 44AD में अपने बिज़नेस की इनकम नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर अपना बिज़नेस ऐड कर देता हूँ। तो जो भी फ्यूचर ऑप्शन और इंट्राडे होता है उसके लिए आपको हमेशा इन्वेस्टिंग करके एक टैब आएगा, 130110 इसका कोड है, ये वाला सेलेक्ट करना होता है। तो अपना नाम यहाँ मेंशन कर दीजिए, सपोज आपका नाम रोहित है तो आप रोहित लिख दीजिए, जो भी आपके पैन नंबर में नाम है, और जो डिस्क्रिप्शन आप देंगे यहाँ दे दीजिए बिजनेस फ्रॉम इंट्रा डे फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो आप यहाँ पे अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। तो देखिए आपका बिज़नेस यहाँ ऐड हो चुका है, अब आप इसको कन्फर्म कर दीजिए। तो अब आपका जो है नेचर ऑफ़ बिज़नेस वाला टैब भी देखिए दोस्तों कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए आप जब यहाँ पे कन्फर्म कर देंगे तो आपको दोबारा से ये शेड्यूल समरी पर ले आएगा। तो शेड्यूल समरी के अंदर देखिए आपके 2 टैब जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब जो हमारा काम शुरू होने वाला है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना के चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं होता, तो आप सिंपली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर क्लिक कर दें और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को नीचे आके जो है इसको कन्फर्म कर दें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी होती है। हमारा जो बिज़नेस है वो इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, तो मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सिंपली इसको क्लिक करें और इसको कन्फर्म कर दें। तो ये वाला टैब भी देखिए मैंने कन्फर्म कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब हमारा बैलेंस शीट का है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे काम करना पड़ेगा और P&L पे। ये 3 जो टैब हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको वर्किंग अपनी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ITR फाइल करेंगे। तो देखिए एक एक्सेल की वर्किंग मैंने ऑलरेडी देखिए दोस्तों तैयार की हुई है। इस एक्सेल की वर्किंग में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल की वर्किंग में मैंने यहाँ पे टर्नओवर लगा लिया है फ्यूचर का ऑप्शन का। तो ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है ये आपकी नॉर्मल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इसको नॉर्मल बिजनेस भी बोल सकते हैं। जैसे आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, सपोज आपकी मेडिकल की शॉप है, करियाने की शॉप है, कोई रिटेल बिजनेस आप करते हैं, तो वो आपके नॉर्मल बिजनेस होते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपके नॉर्मल बिजनेस में ही काउंट होते हैं, तो इसलिए इसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। वहीं इंट्राडे जो होता है वो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में काउंट होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस, सट्टे वाला बिजनेस, तो ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में काउंट होता है। तो इनके टर्नओवर मैंने लगा ली हैं, तो टर्नओवर के लिए देखिए दोस्तों मैंने लिंक लगा दिया है। जैसे फ्यूचर का मेरे पास है यहाँ पे एक, मेरे पास देखिए ये है NCO सिक्योरिटीज़ एंड शेयर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ से मैंने इसका ये ऑटोमेटिकली ही आपको सारी चीज़ें आपका ब्रोकर प्रोवाइड करवा देगा, तो आपको सिर्फ वहाँ लिंक लगा लेना है। और इसकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, तो टर्नओवर की कैलकुलेशन करने के लिए जो भी आपका सेल माइनस परचेज वैल्यू करके आता है, आपका जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को आपको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो आपको टर्नओवर की कैलकुलेशन भी कैसे करनी होती है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो टर्नओवर का लिंक मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। इसी तरीके से ऑप्शन में देख सकते हैं आप, ऑप्शन में भी मैंने ये देख सकते हैं मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो जो ब्रोकर है उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारे ही आपको चीज़ें दे देता है। देखिए ऑप्शन का टर्नओवर इसने बता दिया है, ये देख सकते हैं 70,10,399 का टर्नओवर है, उस पर मैंने लिंक लगाया हुआ है। तो टोटल जो नॉर्मल बिजनेस है उसका टर्नओवर 70,24,000 है, इंट्राडे का जो टर्नओवर है वो 12,386 है। तो देखिए ये भी मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, जो कि मैंने आपको बताया है तरीका।
तो इस तरीके से मैंने सारे लिंक लगाए हुए हैं। इसी तरीके से रिलाइज प्रॉफिट में आप देखेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो रिलाइज प्रॉफिट है वो ये आ गया। इसी तरीके से ऑप्शन के अंदर 9,58,000 का दोस्तों लॉस है तो ये आ गया ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से मैंने सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नॉर्मली आपके ब्रोकरेज, टर्नओवर चार्जेस, सेबी चार्जेस, एसटी, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, सारे ही तरीके के खर्चे आपके कवर हो जाते हैं। तो क्योंकि आपका इंट्राडे और जो आपका फ्यूचर ऑप्शन है ये आपकी बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे आपके हर तरीके के खर्चे आपको मिल जाते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप जब आप दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको जो एसटीटी है उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता है। बाकी ये क्योंकि बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे आपको हर तरीके के खर्चे मिल जाएंगे। इसी तरीके से 3,33,000 के ऑप्शन के अंदर देखिए खर्चे हैं तो देख सकते हैं आप इन दोनों खर्चों को जब आप ऐड कर देंगे एसटीटी को और इसको दोनों खर्चों को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3,33,033 बन जाता है। तो ये वाले खर्चे भी मैंने देखे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख लिए। तो दोस्तों ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्योंकि जब आप ये ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली खर्चे भी आपके हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपके ये ट्रेड से रिलेटेड है तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसी तरीके से इंट्राडे भी ले लिया तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया है क्योंकि आपका रिलायंस प्रॉफिट 4,538 था, 1,000 का आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा 3,528 का बचा, ऑप्शन के अंदर 9,58,000 का लॉस था, 3,33,000 के खर्चे हो गए, एक्सपेंस हो गए, तो इस तरीके से यहाँ पर लॉस हो गया 12,091,000 का। तो इस तरीके से 12,87,000 का टोटल लॉस हो गया। उसके अलावा इंट्राडे का लॉस प्रॉफिट है इंट्राडे में तो इस तरीके से टोटल जो लॉस हुआ वो 12,86,000 का हुआ। तो देखिए दोस्तों क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है तो कुछ आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी करते होंगे तो इसके लिए देखिए मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है। यहाँ जब प्रॉफिट एंड लॉस में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर हो सकता है आप कोई शॉप आपने ले रखी हो रेंट पे, उसको आप रेंट पे करते हो तो ये रेंट आ जाएगा। कोई सैलरी आपने कोई वहाँ पे कोई वर्कर भी रखे हो, कोई आपने स्टाफ भी रखा हो उसको आप पेमेंट करते हो तो सैलरी आ जाएगी। कोई इंटरनेट का खर्चा है, टेलीफोन है, मोबाइल है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया उसका लोन है, इलेक्ट्रिसिटी, अकाउंटिंग चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस। तो इस तरीके से मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है मेंटेन किया हुआ था। इसका आप टोटल करेंगे तो टोटल जो मेरे इनडायरेक्ट खर्चे हैं 14,400 के खर्चे हैं तो वो भी देखिए मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चे जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा दिए हैं। तो इस तरीके से आपका जो टोटल 12,87,000 का लॉस है उसमें 14,400 के खर्चे आप लेस करोगे तो टोटल लॉस आपका हो जाएगा 13,02,000 रुपीज़। और इंट्राडे में आपका प्रॉफिट है तो दोनों का आप नॉक ऑफ कर देंगे तो आपका नेट लॉस बचेगा 13,433। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों एक छोटी सी मैंने वर्किंग या सेल परचेज की भी कर ली है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको लॉस था 9,53,000 का तो लॉस कैसे आया होगा, फ्यूचर का सेल ले लिया, ऑप्शन की सेल ले ली तो टोटल सेल हुई 12,72,00,000 रुपीज़ की। इसी तरीके से फ्यूचर की परचेज हुई, ऑप्शन की परचेज हुई तो टोटल परचेज हुई 12,81,000 की। तो इस तरीके से आपका और 9,53,000 जो है लॉस हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने लिंक लगाया हुआ है, यहाँ से ये देख सकते हैं आपकी सेल वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर में परचेज देखेंगे तो ये देखिए परचेज वैल्यू आ गई 21,02,14,00,000। इसी तरीके से ऑप्शन में आप आएंगे तो देख सकते हैं आप 10,57,42,747 आ गया। तो ये देख सकते हैं आप सेल वैल्यू, ये आपकी सेल वैल्यू आ गई, इसका टोटल करेंगे आप देख सकते हैं 10,57,00,000। ऑप्शन की परचेज वैल्यू आप देखेंगे तो 10,67,00,000 रुपीज़। तो आप इसका टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं 10,67,00,000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये सारी ही कैलकुलेशन मैंने की हुई है। तो इसी तरीके से हम अपनी ITR को जो है फाइल करते चलेंगे। तो ये सारी वर्किंग मैंने कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें टैक्स ऑडिट करवाना क्यों नहीं है। तो दोस्तों हमने टैक्स ऑडिट को जब हम ITR फाइल कर रहे थे तो वहाँ नो कर दिया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि जो अगर आप इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो 44 सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कैश के ट्रांजैक्शन 5% से ज़्यादा नहीं है तो आपका जो टर्नओवर की लिमिट होगी वो 10 करोड़ रुपीज़ होगी। मीन्स अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है उस केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ये इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन तो टोटल डिजिटल बिजनेस है, कैश का काम तो इसमें कुछ होता नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्नओवर की लिमिट मिलती है वो 10 करोड़ रुपीज़ की मिलती है। और मेरा जो टर्नओवर है देखिए दोस्तों मेरा टर्नओवर है 70,37,000 तो मुझे तो टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक सेक्शन 44AD भी होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले से ही 44AD में ITR फाइल करते हुए आए हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर और अगर आप चाहते हैं कि मैं 44AD से ऑप्ट आउट हो जाऊं तो वहां पर भी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो उसके लिए मैंने जैसा कि बताया कि 44AB के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात। तो बुक्स ऑफ अकाउंट आपके लिए मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है अगर आपका टर्नओवर जो है दोस्तों वो 25 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाता है या फिर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख से
क्रॉस कर जाती है। इनमें से जो भी एक ज़्यादा हो जाएगा पिछले 3 सालों में, जैसे ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो इसके पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा था या मेरी जो टोटल इनकम थी वो 2.5 लाख से ज़्यादा थी, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे। बट अगर आपका 3 साल का रिकॉर्ड नहीं है या आप फर्स्ट ईयर में ही ये बिजनेस कर रहे हो फर्स्ट टाइम ही, तो इसी साल में देख लिया जाएगा कि आपका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा था या इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी। तो यहाँ देखिए इनकम तो मेरी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, यहाँ देखिए दोस्तों आपको टोटल इनकम देखनी है। अगर इसके अलावा आपकी कोई ओवर हेड से इनकम है वो भी आप कंसिडर करके चलेंगे। तो देखिए मेरे जो टोटल इनकम है ये तो आप मेरी नेगेटिव में है, 13 लाख का लॉस है मुझे, तो इनकम तो मेरी कम है। बट क्योंकि मेरा टर्नओवर 70 लाख रुपीज़ है जो कि 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, लॉस के केस में अगर आपका टर्नओवर और ये वाली लिमिट मैच नहीं भी होती है, मीन्स अगर मेरा यहाँ पे टर्नओवर 25 लाख से कम भी होता तब भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलता, क्योंकि मेरा लॉस का केस है। लॉस के केस में अगर आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, नो अकाउंट केस में अपनी ITR को फाइल करेंगे, तो वहां पर आपको लॉस दिखाने का ऑप्शन ही नजर नहीं आता है, क्योंकि लॉस दिखाने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट के आगे नेगेटिव में फिगर डालनी पड़ेगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ITR फाइल करते हुए, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम है वो नेगेटिव फिगर लेता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नो अकाउंट केस में जाएंगे तो ये जो आपने लॉस अर्न किया है, इतना बड़ा लॉस जो 9.5 लाख रुपए का रियलाइज लॉस है आपको, 3,35,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो मोटा मोटा आपका 13 लाख रुपए का लॉस जो है वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए लॉस के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम अपनी ITR की तरफ बढ़ते हैं और अपनी ITR को फाइल करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया था, तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट जो है, देखिए बैलेंस शीट हम लास्ट में बनाएंगे, पहले हम ट्रेडिंग और P&L बना लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और लास्ट में जब आप आएंगे देखिए 12th टाइम में आपको नजर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ITR 3 के अंदर आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसका टर्नओवर मेंशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट आपका फ्यूचर या ऑप्शन से डायरेक्टली टर्नओवर मेंशन करने का कहीं भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आता। तो सबसे पहले हम इंट्राडे को जो है वो खत्म कर लेते हैं। तो ये इंट्राडे है मेरा, तो इंट्राडे को मैं रेड कर लेता हूँ एक बार। तो देख सकते हैं आप इंट्राडे का जो आपका टर्नओवर है वो 12,386 है। तो देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए 12,386। इसी तरीके से जो प्रॉफिट है इससे वो 1842 का है, 1842। तो देखिए अगर आपको यहाँ लॉस भी होता तो दोस्तों यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर जो है कंसिडर कर लेता है, मींस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको लॉस भी होगा तो आप नेगेटिव में भी फिगर दिखाएंगे तो सिस्टम जो है कंसिडर कर लेगा। तो आप मेरे केस में प्रॉफिट है तो मैं इसको प्रॉफिट कर देता हूँ 1842। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब जो है मैं इसको देखिए दोस्तों कन्फर्म कर देता हूँ। तो पहला जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो मैंने जो है अपनी ITR के अंदर दिखा दिया है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग को मैंने अब सेव कर दिया है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो दोबारा से हम यहाँ आ जाते हैं, दोबारा से ट्रेडिंग अकाउंट पे ही क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखानी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर दोबारा से मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही कन्फर्म करूँगा आपको यहाँ सबसे टॉप में नजर आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखिए जैसे ही आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सेल या ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे देखिए दोबारा से आपको यहाँ नजर आ जाएगा सेल ऑफ गुड्स आपने कुछ किया है क्या, सेल ऑफ सर्विस की है, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू। तो एक बार और आप इस एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाएगा, अगर आपने कोई गुड सेल किया है तो उसकी सेल वैल्यू मेंशन कर दीजिए, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड की तो उसकी सेल वैल्यू मेंशन कर दीजिए, और अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाना है। देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो आपने जो सेल किए थे फ्यूचर और जो ऑप्शन सेल किए थे आप यहाँ पर उनकी जो है मेंशन कर दीजिए, जो भी इनकी सेल वैल्यू है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं ऐड अनदर करके एक और आप जो है टैब इंसर्ट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए सेल ऑफ फ्यूचर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं सेल ऑफ ऑप्शन। तो देखिए सेल ऑफ फ्यूचर की जो वैल्यू है वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ये वैल्यू जो है वो डाल रहा हूँ। तो ये है मेरा 2,47,97,775। तो ये मेरा फ्यूचर की सेल है 2,14,97,725। तो देखिए दोस्तों मैंने सेल ऑफ फ्यूचर डाल दिया, इस तरह सेल ऑफ ऑप्शन भी डाल दीजिए 10,57,42,000 कुछ ऐसा ही है।
10,57,42,747, तो 747 है ये, 747। तो देखिए मैंने सेल ऑफ फ्यूचर भी डाल दिया है, सेल ऑफ ऑप्शन भी डाल दिया है। या आप क्या कर सकते हैं, एक ही केस में सेल ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों ही डाल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं सेल टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन। एक्चुअल में इसके हिसाब से टैक्स ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अगर मैं 10,47,00,000 का सेल दिखा दूंगा तो आपने तो बताया था कि यहाँ पे जो टर्नओवर है अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये सेल की वैल्यू है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जो टर्नओवर है और सेल की वैल्यू को टर्नओवर नहीं माना जाता है। तो टर्नओवर की कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी, टर्नओवर की कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आता है, जो भी आपकी लॉस की फिगर होती है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया जाता है, उसके बाद टोटल का कर लिया जाता है। इस तरीके से जो है टर्नओवर की कैलकुलेशन की जाती है। तो इस तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका टर्नओवर नहीं है, ये आपकी सेल की वैल्यू है। तो ये आपने सेल की वैल्यू मेंशन कर दी, तो देखिए टोटल सेल आप देखेंगे आप 12,72,72,40,472, तो आप देख सकते हैं 12,72,40,472 की आपकी टोटल सेव की वैल्यू आ, सेल की वैल्यू आ गई। आप इसको जो है सेव कर सकते हैं, तो देखिए हमने इसको सेव कर दिया है। तो इस तरीके से हमने देखिए अपनी सेल की वैल्यू दिखा दी है। तो अब हम इसको यहाँ से नीचे आए, आप इसको सेव कर दें, तो देखिए जैसे ही हमने सेव कर दिया तो देख सकते हैं आप रेवेन्यू आपकी ऑपरेशन से आ गई है 12,72,72,40,472, जो कि आपका यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया है। अब थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो देखिए डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट नज़र आ जाएगा, उसके नीचे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो ये 9 नंबर पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी आपके दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखिए समरी में मैंने दिखाए थे आपको, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आपके GST हो गया, ब्रोकरेज हो गया, टर्नओवर फीस हो गई, तो बहुत सारे इसमें चार्जेस होते हैं। मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे आपके चार्जेस थे, ब्रोकरेज थी, टर्नओवर चार्जेस थे, सेबी चार्जेस थे, STT था, स्टैम्प ड्यूटी था, GST था। तो इस तरीके ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपके जो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दोस्तों वो 3,34,044 हैं। तो देखिए इंट्राडे को यहाँ मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि इंट्राडे का मैं सेपरेटली ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो ये वाला जो केस है हमारा अभी खत्म हो चुका है, हम नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं फ्यूचर और ऑप्शन की। तो यहाँ पर मेरे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रोकरेज एंड फीस फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो कितनी ब्रोकरेज एंड फीस आपने पे की टोटल 3,34,044। तो देखिए इस तरीके से आपने टोटल जो है फीस पे की। अब आप इसको जो है सेव कर दें, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हो गए। तो इस तरीके से आपका जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो आ गया 12, टोटल जो सेल में से इसने जो है खर्चे लेस कर दिए 12,69,06,428। तो देखिए इसका कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, देखिए दोस्तों, तो आपका जो टोटल था देख सकते हैं आप, ये हमने सेल दिखाई फ्यूचर एंड ऑप्शन से, इसमें से हमने इतने एक्सपेंस जो है वो लेस कर दिए हैं 3,34,000 के। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर जो है आपकी मैच कर जाएगी 12,69,06,428। तो देख सकते हैं आप, ये कंफर्म हो चुका है। अब आप इसको कंफर्म कर दें, तो देखिए इस तरीके से जो है आप अपना जो ट्रेडिंग वाला टैब है पहले वो कंफर्म कर लें। तो हमने अपना जो ट्रेडिंग वाला टैब है वो कंफर्म कर दिया है और आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा कि आपका ट्रेडिंग का टैब वो कंफर्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो जो आपकी वो फिगर थी 12,69,00,000 की वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी क्रेडिट में। अब हमें देखिए दूसरे केस में क्या करना है, जो परचेज हुई है, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब जो हमारी परचेज हुई है, ये तो हमने सेल किया फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब हमने परचेज भी किया था, तो जो परचेज वाली फिगर है वो आपको जो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ऐड डिटेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे खर्चे भी दिखा सकते हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने जो बना रखे हैं खर्चे, बट ये खर्चे हम पहले बाद में दिखाएंगे, पहले हम जो है ये वाली चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे मेरे 3,34,044 के, ये भी मैंने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वाली फिगर देखिए दोस्तों मैंने कंप्लीट कर ली है, मीन्स ITR में फिल कर दी है, ये वाली फिगर मैं ITR में फिल कर चुका हूँ। मैं इसको येलो कर देता हूँ, सॉरी रेड कर देता हूँ। ये वाली फिगर मैं फिल कर चुका हूँ और ये वाली फिगर भी मैं फिल कर चुका हूँ। तो ये जो है लिंक मैंने वहीं से लगाया हुआ है। देखिए ये 3,34,044 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो ये सारे खर्चे मैं फिल कर चुका हूँ, इसको एक बार मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो ये तीन फिगर जो है मैं ITR में फिल कर चुका हूँ। अब मुझे परचेज दिखानी है, तो मैंने फ्यूचर भी परचेज किए, ऑप्शन भी परचेज किए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ आ जाएंगे, जब आप नीचे आएंगे
तो आपको जो है इसको फर्दर कंटिन्यू करते चले जाना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए फर्दर आप नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पे 46 नंबर पे आ जाना है। 46 नंबर पे आपको अदर एक्सपेंस करके नज़र आ जाएगा, तो आप इसको ओपन कर लीजिए, यहाँ पर भी ऐड अनदर कर लीजिए। अब यहाँ पर आप दिखा दीजिए परचेज ऑफ फ्यूचर एंड परचेज ऑफ ऑप्शन, तो परचेज ऑफ फ्यूचर, अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, परचेज ऑफ ऑप्शन, तो आप यहाँ पे परचेज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखा दीजिए। तो जो फ्यूचर की परचेज है देखिए दोस्तों, वो है 2,14,93,897 कुछ है, मैं देख लेता हूँ, 2,14,93,187 है, सॉरी 187, ये मेरी परचेज हो गई फ्यूचर की। अब मैं परचेज दिखा देता हूँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन की परचेज कितनी है, 10,67,1116। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल जो आपकी परचेज हुई 12,81,94,303। तो ये आपकी टोटल परचेज आ गई है। तो आप इसको जो है सेव कर दें, और यहाँ इसको भी जो है आप दोस्तों अब ये रेड कर सकते हैं। तो ये वाली फिगर जो है हमने अपनी ITR में फिल कर ली हैं। तो देखिए जब ये सारी फिल हम फिगर कर चुके होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आएगा 12,86,033 आएगा, बट मेरा जो आ रहा है वो 12,87,000 आ रहा है। तो इसमें दोस्तों ये क्या कर रहा है, 12,87,000 का लॉस आना चाहिए, बट क्योंकि हमने इंट्राडे का प्रॉफिट जो दिखाया था वो भी इस यहाँ पर आके जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये 1842 का लॉस ये लेस करके चल रहा होगा प्रॉफिट। तो 12,86,033 का इस तरीके से आपको टोटल लॉस इसने दिखा दिया। तो देखिए ये लॉस आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा, देख सकते हैं आप 12,86,033, तो 12,86,033, तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर आपकी जो है मैच हो गई है। आपने रियलाइज प्रॉफिट ले लिया, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए, इस तरीके से आपका जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आ गया वो आपका 12,86,033 आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे लेस करने बाकी हैं दोस्तों, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस से उठा लिए, तो अब चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ऐड कर लीजिए, तो देखिए जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दोबारा से आप डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर दें, इसको एडिट पे क्लिक कर दें। अब जो हमारे बचे हुए खर्चे हैं वो हम दिखा लेते हैं। तो देखिए खर्चों में सबसे पहले फ्रेट आउटवर्ड कुछ है आपका, कंजप्शन पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 1500 रुपीज़ का, तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ 1500 रुपीज़। इसके अलावा अगर कोई रेंट आप पे करते हैं, तो रेंट मेरे केस में जीरो है, तो मैं कुछ नहीं पे कर रहा हूँ। अगर आप कोई रेंट पे करते हैं तो वो दिखा सकते हैं, कोई रिपेयर वगैरह वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा नीचे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में कोई सैलरी है, वेजेस आप पे करते हैं, तो मेरे केस में सैलरी जीरो है। अगर आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है उसको सैलरी देते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए सारे खर्चे आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है इसको सेव कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सेव हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं आप नीचे इंश्योरेंस है, कुछ अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह कराया है तो आप वो ले सकते हैं। तो आप इसको भी कुछ नहीं करना, आप इसको रहने दीजिए, कुछ नहीं है। तो जब आप नीचे आएंगे देखिए दोस्तों कमीशन है, तो कमीशन अगर आपने कुछ पे की है तो वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको भी रहने दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए अब आगे। तो देखिए जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कोई रॉयल्टी अगर आपने पे की है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे 32 नंबर प्रोफेशनल फीस अगर आपने पे की है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्रोफेशनल फी पे आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट, तो अगर आपने इंडिया से बाहर कुछ पे किया है या इंडियन नॉन रेजिडेंट को पे किया है तो यहाँ डाल दीजिए। इसके अलावा किसी अदर को पे किया तो यहाँ फिल कर सकते हैं। तो मेरे केस में देख सकते हैं आप प्रोफेशनल फीस में कुछ अकाउंटिंग चार्जेस पे किए हैं 2000 रुपीज़, तो टू अदर्स में मैं यहाँ पर 2000 रुपीज़ डाल देता हूँ और इसको जो है सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने प्रोफेशनल फीस भी डाल दी है। थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो देखिए आपको होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस, तो मेरे केस में कुछ कन्वेंस एक्सपेंस भी हैं देखिए दोस्तों 1500 रुपीज़ के, तो मैं ये यहाँ पे फिल कर देता हूँ 1500 रुपीज़। इसी तरीके से कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हैं, तो टेलीफोन एक्सपेंस में आप यहाँ आएंगे, टेलीफोन या मोबाइल का जो आपका खर्चा है 1000 का, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। और थोड़ा देखिए कुछ खर्चे हमारे हैं तो वो हम नीचे देखेंगे, इनमें से कुछ भी खर्चा हमारा नहीं है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो रेट एंड टैक्सेस कुछ पे किए हैं आपने दोस्तों, यहाँ मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये जो फिगर है मेरी सेव हो जाएगी। तो ये मेरी सेव हो चुकी है। कुछ ऑडिट फी आपने पे किया तो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हो, तो ऑडिट तो आपका हुआ नहीं तो कोई फीस होगी नहीं। इसके अलावा नीचे बैड डेब्ट हैं, उसके अलावा जब आप नीचे देखिए दोस्तों आएंगे आपको इंटरेस्ट का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट भी मैंने पे किया 6000 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया था दोस्तों, जो ये पर्सन है उसने एक अनसिक्योर्ड लोन भी लिया था बैंक से 12% पर एनम के हिसाब से, तो उसके ऊपर भी उसको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ा है 50,000 का।
तो उसके हिसाब से 6,000 का ये इंटरेस्ट हो गया, तो आप ये जो है इंटरेस्ट मेंशन कर दीजिए 6,000। तो आप ध्यान रखिए ये जो खर्चे हैं ये आपके एक्चुअल होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खर्चे जो हैं अपने लॉस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए डाल देंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे खर्चे फिल कर लिए हैं। अब हमें दो खर्चे नहीं मिल रहे हैं, इंटरनेट और प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन नज़र नहीं आता कुछ खर्चों का, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये 46 नंबर पर जो अदर एक्सपेंस जहाँ पर मैंने परचेज और फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखाया था, यहीं पर आप उतने कॉलम जो है इंसर्ट कर लें। तो मेरे को दो खर्चे नहीं मिल रहे हैं, जैसे इंटरनेट नहीं मिल रहा, तो इंटरनेट मैं यहाँ डाल दूंगा, इंटरनेट एक्सपेंस मैं यहाँ फिल कर दूंगा। इसी तरीके से एक खर्चा और मुझे नहीं मिल रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, तो ये दोनों ही खर्चे मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो मेरा इंटरनेट का खर्चा जो है दोस्तों वो है 1500 रुपीज़, और जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मेरा खर्चा है वो है दोस्तों 900 रुपीज़। तो ये दोनों ही खर्चे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ और इनको भी अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ही खर्चे वगैरह जो है मैं मेंशन कर चुका हूँ। सेल मैंने दिखा दी, परचेज दिखा दी, डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दिए। तो इस तरीके से अब मैं जो है इसको भी सेव कर देता हूँ। तो देखिए जब मैंने इसको सेव किया तो दोस्तों मेरा टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया है 13,433। तो आप यहाँ पर आएँ, आप देख सकते हैं 13,433, तो आपका एग्जैक्टली बिल्कुल मैच कर गया है। तो ये जो है दोनों का डिफरेंस आ रहा है, देखिए जो आपका नॉर्मल बिजनेस था फ्यूचर एंड ऑप्शन उससे 13,02,000 का लॉस था, बट इंट्राडे से आपका प्रॉफिट भी था 1842 का। तो दोनों को अगर नेट ऑफ कर देंगे तो आपका ये वाला लॉस आ चुका है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो 13 लाख का लॉस आ गया और एग्जैक्टली आपकी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेज आपकी ट्रेडिंग P&L से मैच हो गया। अब आप इसको जो है सेव कर सकते हैं। तो देखिए आप इसको सेव कर दीजिए, तो जैसे ही आप सेव करेंगे देखिए आपका ये लॉस आ चुका है, अब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर सपोज आपका लॉस है और आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते तो आप नो अकाउंट केस में जाएंगे। नो अकाउंट केस में जाने से आपको नुकसान क्या होगा, देखिए दोस्तों आप यहाँ बिजनेस में आएंगे, यहाँ पर अपना टर्नओवर दिखाएंगे जो भी आपका टर्नओवर है, और यहाँ पर आप ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है तो आप पॉजिटिव में दिखा सकते हैं, लेकिन आपका लॉस है, जैसे मेरा 12,87,000 का लॉस था, अगर ये लॉस मैं यहाँ दिखाने की जरूर कोशिश करूँगा 12,87,874 का, तो आप देखिए आपकी ये कैलकुलेशन नीचे करेगा ही नहीं सिस्टम। देखिए आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम है वो नेगेटिव फिगर को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे जब आपका लॉस नेट प्रॉफिट में आ ही नहीं रहा। वहीं अगर मैं ये माइनस का निशान हटा दूँ तो मुझे प्रॉफिट होता, तो आप देखें आपका नेट प्रॉफिट 12,87,000 का दिखा चुका। तो इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आप लॉस करेंगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हो जाएंगे, अदरवाइज आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो यही रीज़न था बताने का। तो अब मैं इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको जो है कंफर्म कर दिया है, इस शेड्यूल को भी कंफर्म कर दिया है। अब मेरे जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे ट्रेडिंग अकाउंट P&L ये भी कंफर्म हो चुका है। अब मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लूँगा। आप देखिए ट्रेडिंग P&L आपका सब कंफर्म हो चुका है और आपकी जो ये वाली शीट है इससे एग्जैक्टली मैच कर चुका है। अब मैं पार्ट बैलेंस शीट पर क्लिक कर देता हूँ और मैं छोटी सी बैलेंस शीट भी बना लूँगा। तो बैलेंस शीट में देखिए अगर आपका नो अकाउंट केस है तो आपको ये वाला करना है, अगर आप प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड पर क्लिक करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है आपकी लाइबिलिटीज़, और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है इसका मतलब होता है आपकी एसेट्स। तो सोर्स ऑफ फंड पहले हम डाल लेते हैं, ऐड डिटेल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर भी मैं अपनी बैलेंस शीट पे आ जाता हूँ। देखिए तो देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों यहाँ कैपिटल अकाउंट आता है। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR बना रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपने कितना अमाउंट जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है फ्यूचर और ऑप्शंस के लिए जो है अपने ट्रांसफ़र किया है अपने ब्रोकर के पास, या अपना जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, मेनली आपने कितनी कैपिटल जो है इस मार्केट के अंदर लगाई है, तो वो कैपिटल आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 15,06,800 की 1,890 कैपिटल लगाई है, उसके अलावा 13,02,000 का ये लॉस हुआ है, 13,02,275 का आप देख सकते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस है वो 13,02,274 का, तो वही मैंने यहाँ बैलेंस शीट में ले लिया है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को का डिफरेंस ले लीजिए जो कि बचेगा 2,04,615। तो यहाँ पे आप 2,04,615 भी दिखा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एक्चुअली आपने कैपिटल यहाँ लगाई है वही आप दिखाएँ। तो आप 15,06,819 यहाँ पर दिखाएँ, 15,06,890 कैपिटल आप यहाँ पर दिखा दें, जो लॉस होगा वो हम एसेट साइड में दिखा देंगे। तो ये आपने दिखा दिया तो प्रोप्राइटर फंड में, तो ये आपका आ गया है, आप इसको क्लोज कर दें
प्रोप्राइटर फंड को, अब आप लोन फंड में आ जाएं। तो देखिए लोन फंड में देखिए यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन भी लिया 50,000 रुपये का, और कुछ फ्रेंड या रिलेटिव से भी कुछ लोन लिया 20,000 का, वो दिखा देते हैं। तो देखिए लोन फंड में जब आप आएंगे तो ये आपका सिक्योर्ड लोन है, तो सिक्योर्ड लोन आपने बैंक से जो लिया है दोस्तों वो आप यहाँ पर दिखा, अनसिक्योर्ड लोन सॉरी ये आपका सिक्योर्ड लोन नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो अनसिक्योर्ड लोन में आप आ जाएँ, तो अनसिक्योर्ड लोन आपने बैंक से जो लिया है वो 50,000 रुपीज़ का लिया, तो आप यहाँ दिखा दें 50,000। इसी तरीके से फ्रॉम अदर्स फ्रेंड या रिलेटिव से कुछ लिया है तो यहाँ दिखा दें 70,000 का। तो इस तरीके से देखिए आपने लॉस भी दिखा दिया। तो अगर आप ये दोनों फिगर को जोड़ देंगे 15,06,000 को प्लस 50,000 को प्लस 20,000 को, ये तीन फिगर ही मैं लेके चल रहा हूँ, तो 15,76,890 आपका आ चुका है। तो देख सकते हैं आप, आपकी बैलेंस शीट में आप इसको ऐड कर दें, आपका लाइबिलिटी साइड में 15,76,000 आ चुका है। तो आप इसको ऐड कर दें, तो देखिए जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी सोर्स ऑफ फंड में 15,76,000 आ चुका है। ये लॉस जो है मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा, अब आपको बताऊंगा कहाँ दिखाना है। अब आप एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएं, एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है एसेट साइड। तो आप यहाँ पर क्लिक करें, ऐड डिटेल पर क्लिक करें। अब देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, सबसे पहले फिक्स एसेट के बारे में पूछेगा। तो फिक्स एसेट में देखिए, अगर आपने अपने स्पेशली इंट्राडे वगैरह करने के लिए या ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज किया है, मोबाइल परचेज किया है, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू को ले सकते हैं, बट उसमें से आपको डेप्रिसिएशन भी लेस करना पड़ेगा, और वो डेप्रिसिएशन आपका यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आएगा। तो इसलिए थोड़ा वो हैक्टिक हो जाता है, थोड़ा लंदी हो जाता है, बट एक्चुअल में जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लैपटॉप या मोबाइल वगैरह कुछ लिया नहीं है, सिंपली मैंने यहाँ क्या लिया है, एक तो आप जिस भी बैंक से ये रेगुलर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, आप स्पेशली उसी बैंक को यूज़ करते हैं, तो 31 मार्च में जो उस बैंक का बैलेंस है आप वो ले लीजिए। तो फिक्स एसेट में कुछ ले नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी, और नीचे आप आएंगे तो आपकी करंट एसेट लोन एंड एडवांसेस आ जाएंगे। तो करंट एसेट में बैलेंस विद बैंक जो है वो 1,56,873 का है, तो 1,56,873 का ये मैं बैंक बैलेंस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने बैंक बैलेंस दिखा दिया दोस्तों। तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो ये जो लॉस की फिगर है आपको ये यहाँ पर दिखानी है, तो लॉस की फिगर आपको यहाँ माइनस में नहीं दिखानी है, पॉजिटिव में ही दिखानी है, 13,02,275। तो ये वाली फिगर भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, तो मेरी टोटल फिगर हो गई है 14,59,000। बट एक फिगर मेरी और पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। तो हो सकता है दोस्तों आपने डिलीवरी के अंदर भी ट्रांजेक्शन कर रखी हो, जहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट में आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपने जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा डाला हुआ है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, आपको मालूम होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आप 12 महीने से पहले बेचते हैं, या आप बोल सकते हैं 12 महीने से नहीं हुए हैं आपको होल्ड किए हुए, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगी। अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा से आपने होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि आपका जो एक 1,17,000 है, क्या वो लॉन्ग टर्म है? अगर लॉन्ग टर्म है तो गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज क्वोटेड में आप दिखा दीजिए, अगर शॉर्ट टर्म है तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी में दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से 1,00,000 रुपीज़ आपका लॉन्ग टर्म है, तो 1,00,000 आप यहाँ पर दिखा दें, 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पे दिखा दें। अगर आपको लगता है 17,000 का जो डिफरेंशियल अमाउंट है 1,74,000, तो शॉर्ट टर्म आप यहाँ दिखा दें। तो जो आपको देखना पड़ेगा कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो मेरे केस में ये सारा शॉर्ट टर्म है, जो भी मैंने शेयर या म्यूचुअल फंड परचेज़ किए हैं अभी उनको 12 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। तो टोटल मैं सारा यहाँ पर ही मेंशन कर दूंगा, 1,17,742। तो देखिए ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, अब मैं करंट एसेट को भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब मैं नीचे आके देखूंगा, तो देखिए दोस्तों मेरी जो टोटल फिगर आई है, सॉरी ये ऐड नहीं हो पाई है शायद, एक मिनट आप देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मैंने दिखाई है 1,17,742 की, बिल्कुल ओके है, इन्वेस्टमेंट में कोई इशू नहीं है। उसके बाद करंट एडवांसेस लोन में आ जाता हूँ मैं, तो मैंने बैलेंस विद बैंक दिखाया है 1,56,000, कोई इशू नहीं है इसमें भी, ये भी ओके है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मेरे को 13,02,000 का मैंने ये भी दिखा दिया। तो चलिए मैं इसको ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे कुछ गलती हुई है शायद। तो सोर्स ऑफ फंड मेरा आ चुका है दोस्तों, हाँ तो मैच हो चुका है मेरा एग्जैक्टली। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो तीन फिगर मैंने मैच की है, 1,00,000 ये और 13,02,000 ये, तो आप देख सकते हैं 15,76,890 की ये वाली भी एग्जैक्टली मेरी मैच कर गई है। तो इस तरीके से देखिए मेरी बैलेंस शीट, सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बिल्कुल मैच कर गए हैं। अब आप इसको भी कंफर्म कर दीजिए, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया, तो ये वाली मेरी जो फिगर है ये भी कन्फर्म हो जाएगी, और जैसे ही कन्फर्म होगी ये आपको शेड्यूल समरी पर लेके आ जाएगा। तो देखिए आपके सारे टैब कन्फर्म हो चुके हैं, पार्ट ए जर्नल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल। अब अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना,
करना होता है टैक्स ऑडिट के लिए होती है, आप सिंपली इस पर कन्फर्म करें अदर इन्फॉर्मेशन पे, और अब आप नीचे आके इसको भी कन्फर्म कर दें। तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत सारे टैब आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ कन्फर्म करते चले जाना होता है। तो इस पर भी मैंने कंफर्म कर दिया, देखिए जैसे ही इस पर भी मैं कंफर्म करूँगा तो दोबारा शेड्यूल समरी पे आऊँगा, तो आप देखें अदर इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो चुकी है। अब शेड्यूल सैलरी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो शेड्यूल सैलरी है, इसके अलावा जो आपका कैपिटल गेन है 112A में आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके अलावा अदर इनकम में आप इंटरेस्ट डिविडेंड दिखाना चाहते हैं, डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक घंटे का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इस ITR 3 के अंदर सैलरी कैसे दिखा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे दिखा सकते हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। बाकी के जो टैब हैं आप जो है उस वीडियो का यूज़ कर लीजिए, तो आपकी जो ITR है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाएँ और देख लें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये शेड्यूल BP है इसके ऊपर जरूर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही देखिए आपको यहां ब्रेकअप दिखा देगा कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना था और स्पेकुलेटिव कितना था। तो जैसे ही आप समरी में आएंगे देखिए आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन जो नॉर्मल बिजनेस था उससे आपका लॉस था 13,02,274। तो आप देख सकते हैं 13,02,275, तो ये आपका नॉर्मल बिजनेस से लॉस था, स्पेकुलेटिव बिजनेस से आपका प्रॉफिट था 18,842 का। तो इस तरीके से आपका जो टोटल लॉस था 1,300,433 था। तो अब आप इसको सिंपली क्या करें, कंफर्म कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप इसको कंफर्म कर दें। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपके लॉसेस होते हैं वो सेट ऑफ कैसे होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये सेट ऑफ कैसे होंगे, सेट ऑफ कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों जो शेयर मार्केट के लॉस होते हैं, अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, अगर आपको कोई इंट्राडे में लॉस है, ये स्पेकुलेटिव लॉस होता है, तो ये आपका केवल और केवल स्पेकुलेटिव इनकम या स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, अदरवाइज एडजस्ट होने वाला नहीं है। अगर आपका सेम ईयर में कोई स्पेकुलेटिव प्रॉफिट होता तो वहाँ से एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो ये अगले 4 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वहीं फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके नॉर्मल बिजनेस होते हैं, तो ये नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस होता है ये आपका एनी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाता है, किसी भी हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी, केवल सैलरी को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है जो ये 13 लाख रुपए का लॉस है ये आपकी सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, इसके अलावा कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट डिविडेंड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, किसी भी तरीके की इनकम होगी आपका ये लॉस जो है उसे एडजस्ट हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ लॉस है एडजस्ट नहीं होगा, वो अगले 8 सालों के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट का। तो शेड्यूल BP पे क्लिक कर दिया, इसी तरीके से DPM DO पे क्लिक कर दीजिए, डेप्रिसिएशन पे क्लिक कर दिए, DCG पे क्लिक कर दिए, कैपिटल गेन और 112 ये आपको मैंने बताया है, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वो देख लीजिए, शेड्यूल अदर सोर्सेज दे दिया है। साइला में क्या होगा दोस्तों, जो भी आपके लॉस हैं जो करंट ईयर के लॉस होते हैं वो आपके जो है सेटअप हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पूरी ही चीज़ें दिखा देगा कि जो आपके करंट ईयर के लॉसेज हैं वो कहाँ कहाँ सेटअप हो सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे मैंने सैलरी की इनकम नहीं दिखाई है, अदर सोर्सेज इनकम नहीं दिखाई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दिखाया है, तो इसलिए वो सेट ऑफ अभी कुछ नहीं करेगा। बट मैंने आपको तरीका बता दिया है, सिस्टम अपने आप ही ऑटो सेट ऑफ कर लेगा जब आप अपनी सैलरी की इनकम दिखाएंगे, अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं लॉस टू बी सेट ऑफ, तो ये जो बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, वो 13 लाख का लॉस है, 433 का ये लॉस आपका जो है सेट ऑफ होना है। अब ये जो लॉस ऑफ, जैसे मैंने आपको सेट ऑफ बताया है, ये लॉस आपका अभी बचा हुआ है, लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, तो आपका सेट ऑफ तो कुछ हुआ नहीं है क्योंकि अभी मैंने ना तो अदर सोर्सेज की इनकम दिखाई है, ना मैंने कैपिटल गेन दिखाया है, ना मैंने रेंटल इनकम दिखाई है, तो इसलिए आपका अभी कहीं भी ये सेट ऑफ नहीं हो पाया है, पूरा का पूरा लॉस आपका जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है। तो आप इसको भी कन्फर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों आप अपने आप जो है ये लॉसेज को सेट ऑफ कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कन्फर्म करते चले जाना है। तो आपका कन्फर्म हो गया। बाफला में क्या होता है, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, कुछ पिछले सालों के जो लॉसेस चले हुए आ रहे थे, यहां पे आप बाफला पे क्लिक करके नीचे कन्फर्म कर दीजिए, ये भी आपका सेटअप हो जाएगा। इसी तरीके से CFL में इस साल सेटअप होने के बाद जो लॉसेस बचेंगे जो कैरी फॉरवर्ड होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है और सिंपली कंफर्म कर देना है, वो बाकी लॉस आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक एक शेड्यूल जो है कंफर्म करते चले जाना है। तो देखिए जैसा इसमें दिखाएगा ये, तो आप देख सकते हैं नीचे लास्ट में जब आप आएंगे तो टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड ऑफ फ्यूचर ईयर देखिए 13,433 के, तो ये टोटल लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड होंगे फ्यूचर ईयर के लिए, जिसमें ये जो लॉस है ये सारा का सारा लॉस आप मान सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का ही लॉस है। तो ये अगले 8 साल तक आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक कि आपकी सैलरी के अलावा कोई भी इनकम होगी। तो इस साल में ही सपोज करें आपकी कोई रेंटल इनकम है 10-12 लाख की, तो ये सारा ही लॉस इसी साल में एडजस्ट हो जाएगा और बचा 1 लाख रुपए आपका अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कंप्यूटर सेट ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों मैंने आपको मैक्सिमम टैब जो है इसमें कन्फर्म करके दिखा दिए हैं। बाकी आप सैलरी वगैरह का जो टैब है, अदर इनकम का, रेंटल इनकम का,
अदर सोर्सेज का, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो सारे ही टैब को जो है देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे दे दिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट जो आते हैं। और ITR 3 को लेकर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बट बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करके चलना है इसके लेकर भी मुझे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर भी बना दिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।